चलिए एक और टॉसअप का प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए। प्रीवियस सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? वैसे भी आप क्लास में तो हैं, ये तो केवल आपका सपोर्ट के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको हेल्प मिल जाए। जो भी डाउट होगा प्रॉब्लम से रिलेटेड आप क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक? मैं आपको एक फिगर बना दे रहा हूँ, जो फिगर ये मैंने बीच में देख लिया, ठीक है? ये आपका 4 मीटर और ये 2.5 मीटर, देख लीजिए, ठीक है? देखिए जल्दी प्रॉब्लम। आपका ये फिगर है, जगह नाम ने कार्ड में छोटा फिगर बनाया है, ठीक? अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देख लीजिए, ठीक है? चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। आपसे पूछ क्या रहा है, टास्क पूछ रहा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जो भी पोर्शन दिए हुए हैं एसी या बीसी या सीडी जो भी बोलिए, यहाँ का आपका शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं इस फिगर को यहाँ बना देता हूँ,
ये था ये आपका ए है, ये सी है, ये आपका 4 मीटर, ये आपका 2.5 मीटर, ठीक है, और ये 300 मीटर, ये था। चलो अब ये विंडो करते हैं, कितने पैसा होता है ये विंडो। देखिए क्या क्या दिया है आपका, आपको डायर दिया है, डायर का डायमीटर आप शॉर्ट टू मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा डायर डी आई ए लिखिएगा। कितना गिवन है 40 mm, ठीक है, ये आपको गिवन डेटा है, ठीक है। सीयर मॉडल्स मतलब जी सीयर या मॉडल्स ऑफ यूटी सीयर मॉडल, जी कितना गिवन है, देखिए 80 GB दिया हुआ है, मेगा पास्कल इसको 10^14 मल्टीप्लाई कर दो मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देना, तो मेगा पास्कल जाते हैं 1900 होता है, ठीक है, ये मेगा पास्कल हुआ, ठीक। और आप पोर्शन इस वाले पोर्शन की लंबाई क्या है, एल ए सी कितना लिया है 2.5 मीटर, समय मतलब 2.5 मीटर को अगर एमएम बदलेंगे तो उस पर 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और एल बी सी कितना दिया अगर 4 मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे 4000 हो जाएगा, 1.2 मल्टीप्लाई होगा, देख लीजिए कितना होगा। देखिए ये तो आपका गिवन डेटा था, और तो कुछ गिवन है, हाँ टॉर्क, इस पॉइंट सी पे टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क एट सी कितना दिया हुआ 100 न्यूटन मीटर, इसको एमएम में कन्वर्ट करें मीटर को क्या हुआ 100 × 10³ न्यूटन एमएम, देख लीजिए क्लियर है। अब प्रॉब्लम में पूछा क्या जा रहा है, सीयर स्ट्रेस और आपका एंगल आप कुछ पूछा है, ये गिवन डेटा मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी नोट करिए, ठीक। चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, गिवन डेटा हमने लिख लिया है, देखिए मैंने मीटर से एमएम में कन्वर्ट कर दिया है, गीगा पास्कल में था उसको मेगा पास्कल, मेगा पास्कल जानते हैं सेम वही होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, चेंज करने पर वो डेटा मिलेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ मेगा पास्कल लिखा है। टॉर्क आपको सी पॉइंट पे गिवन था, उसको भी न्यूटन मीटर था, उसका मैं कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब चलिए जो फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है उसको फाइंड आउट करें, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए पहला क्या है, टॉर्क एंड सपोर्ट, सपोर्ट पूछा है, ठीक है, दैट इज टी ए एंड टी बी ओ, ठीक, कॉमा, और क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस टाउ एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, ये आपसे टॉर्क पूछा जा रहा है सपोर्ट पे, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस जो ए सी या सी बी पोर्शन है वहाँ का आपको टॉर्क पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा जा रहा है, ठीक, आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, क्लियर है। चलिए अब वन बाय वन सब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए तो
इससे पहले हम एक पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि जे के यूज हर जगह होगा इसको पहले ही कर लिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय r2 को पोलर मोमेंट इनर्शिया क्या होगा जे इक्वल पाई बाय b b की वैल्यू कितना दिया था 40 इसको सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिलेगा 251.33 × 10³ देख लीजिए ठीक है ये आपका जे की वैल्यू है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ठीक आपने जे फाइंड आउट कर लिया अब इस जे के हेल्प से और जो गिवन डेटा उसके हेल्प से वन बाई वन सभी अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट किया जाता है जो पूछा जा रहा था ठीक है चलो जे फाइंड आउट हो गया है लेफ्ट TA and TD be the top as A and B as shown in figure. देखिए इस टॉल को शो किया जाए फिगर में तो ये अलग अलग पोर्शन को बना दिया जाए ये आपका सपोज करिए एसी पोर्शन है ये आपका सीबी पोर्शन है ठीक है देखिए अब क्लॉक वाइज है ना चलिए ठीक है ये आपका टी ए है तो इसको टी डी ये भी यही होगा क्योंकि ये जो टॉर्क है दोनों टॉर्क के इक्वल होगा ठीक है सम पे इक्वल होगा तो ये टी ए टी बी है तो ये भी अपवर्ड ही जाएगा टी बी और ये डाउनवर्ड है टी ए ठीक है और ये 100 इक्वल टी ए प्लस टी बी होना चाहिए देख लीजिए फिगर आपको अगर समझ में आ रहा हो ठीक है वो देखिए क्लॉक वाइज ही तो अपवर्ड ही जाएगा ये भी अपवर्ड इसीलिए मैंने साइन किया उसका पूरी मैंने बैलेंस कर दिया ठीक है ये फिगर समझ में आया मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ठीक है ये फिगर मैं हटा रहा हूँ ठीक है ये डायरेक्शन मैंने अपवर्ड क्यों किया इसको देखिए क्लियर हो रहा है चलिए या तो जो मेन दिया हुआ था उसके डायरेक्शन को देख पाओगे यहाँ फाइंड आउट कर सकते थे और उसी का पॉजिटिव सेक्शन जब ब्रेक करेंगे तो उसको दिखा सकते हैं तो ये है दोनों सेक्शन के सम के इक्वल ना चलिए फॉर इनडिटरमिनेट इनडिटरमिनेट सर ठीक है क्या लिख सकते हैं थीटा ए सी इक्वल थीटा सी बी या बी सी होगा ठीक है सी बी लिख देता हूँ क्या करना ये होगा ठीक है सीरीज में है ठीक है तो चलिए इसके जगह आप ये जानते हो टी बाई जे ये थीटा बाई एल यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा PL अपॉन ये जी ये होगा इसी के हेल्प से मैं इस पोर्शन को लिख दूं PL अपॉन J इस पोर्शन में AC इक्वल हो जाएगा PL अपॉन J अपॉन CB BC CB ठीक है
ठीक है ये होगा अब ये बताइए जे आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी सेम होगा जी आपका मैटर प्रॉपर्टी ये भी सेम होगा ठीक है क्या हम ये लिख सकते हैं TL इस फोर्सन का इक्वल होगा TL इस फोर्सन का तो T की वैल्यू आपको क्या गिवन है हां गिवन 100 था ठीक है TL नहीं ये T तो A वाला है ना T A इसको इस तरह से लिखते हैं T A L C T A C और T A C इक्वल T C D इनटू L C D ये होगा कंफ्यूज मत करिएगा अब ये TAC इसको TA लिख रहा हूँ ठीक है और इसकी वैल्यू आपका AC पोर्शन पर 2.5 मीटर दिया हुआ था हमें बदलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं इधर भी एमसी में होगा कौन सी जगह ये क्या जगह TB इनटू 4 यही होगा देख लीजिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें फाइंड आउट क्या होगा TA इक्वल इसको सेट ले जाएं तो 40/25 होगा उसको सॉल्व करें तो 1.6 TB ठीक है हमने एसी सेक्शन का आपका जो टॉर्क माना गया था ए माना गया था और सीबी पोर्शन का बी माना गया था ठीक है तो हमें ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हुआ TA इक्वल 1.6 TB इस रिलेशन से जो आपका ये दिख रहा है ठीक है केवल हमने वैल्यू पुट किया है ठीक कंडीशन सेकंड क्या है ये टॉर्क और टोटल टॉर्क टी है वो किसके बराबर होगा टी ए प्लस टीबी के ठीक है ये आपको पता है ठीक है तो ये बताइए इसकी वैल्यू आपको पता है 100 यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें 1.6 टीबी प्लस टीबी क्या इसको हम सॉल्व करके टीवी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ये हो जाएगा 2.6 टीवी इक्वल 100 ये होगा यहां से क्या हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं टीवी की वैल्यू टीवी आपको मिल जाएगा 100 डिवाइड बाय 2.5 एंड 2.6 इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा टीवी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुआ 38.46 न्यूटन मीटर ठीक है ये वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा टीवी से अब यही वैल्यू हम अगर पुट कर दें इस वाले इक्वेशन में तो टीए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा टीए की वैल्यू निकालते हैं चलिए टीए इक्वल 1.6 मल्टीप्लाई टीवी 38.46 इसको प्रोडक्ट क्या होगा देखिए 61.54 न्यूटन मीटर इस तरह हमें TA और TB की वैल्यू मिल जाए और देखिए दोनों का अगर आप सम करेंगे तो 100 आना चाहिए देख लीजिए क्योंकि इन्हीं दोनों का सम ये है ना टोटल टॉर्क क्लियर हुआ चलिए अब हम निकालते हैं स्ट्रेस पोर्शन AC और CD चलिए इसको रिमूव कर रहा हूं तो मुझे नहीं लगता है कि आप सीरीज का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में हो जब भी कोई सीरीज में होगा तो उसका थीटा सेम होगा और टॉर्क दोनों सेक्शन में अलग अलग टॉर्क के सम के होल होगा ठीक है बस ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा आपका प्रॉब्लम कभी भी गड़बड़ नहीं होगा चलिए सेकंड जो पूछा जा रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन एसी पोर्शन ठीक है एसी देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ कर्स इन सेक्शन AC having maximum
ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। चलिए सॉल्व करेंगे तो आप अपना मेन फॉर्मूला तो जानते हो, पी बाई जे जी थीटा बाई एल टाउ बाई आर। तो हमें शियर स्ट्रेस कंडीशन अप्लाई करेंगे या स्ट्रेन, तो हमें फॉर्मूला क्या है, पी बाई जे टाउ बाई आर। हमें टाउ फाइंड आउट करना है, चलिए टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो होगा क्या, टाउ आर की वैल्यू कितना, 40 आपका टायर, तो आर आपका 20 हो जाएगा, 40 बाई 2 कर दें। आपका टी, टी आपकी वैल्यू निकल चुका है 61.54 इनटू 10 पावर 3। अभी आपने हर पोर्शन के लिए टर्म निकाला था, और ये जे, जे भी आपने कैलकुलेट किया था 251.33 इनटू 10 पावर 3। यहां से अगर टॉर्क आप कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करने पर, टाउ इज इक्वल टू, सॉरी टॉर्क नहीं, शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो आपको शियर स्ट्रेस 4.897 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फाइंड आउट होगा। ठीक है, सेम इसी तरह सेक्शन बीसी के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्लियर है, चलिए अगले पार्ट के लिए भी देखते हैं। ठीक है, ये आपका शियर स्ट्रेस हुआ। अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट एट 2 मीटर फ्रॉम बी, आपसे निकालने के लिए प्रॉब्लम में कहा गया था, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ये तो आपको स्ट्रेस हो गया। अगला देखिए, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट 2 मीटर फ्रॉम, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट 2 मीटर फ्रॉम बी। ठीक है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं टी बी बाई जे, ये हो जाएगा आपको जे थीटा बाई एल। ठीक है, थीटा फाइंड आउट करना कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करिए टी का, तो टी बी पोर्शन में क्या आया था, 38.46 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। ये टी था जे आपका 251.33 इन 10 पावर 3 इक्वल जी, जी आपको 80 इन 10 पावर 3 और थीटा मल्टीप्लाई था, और एल आपका कितना है 2000। ठीक है, एल आपका उस रीजन में 2000 था बीसी। अब यहां से हम थीटा क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हाँ फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 3.8256 इनटू 10 पावर माइनस 3 एमएम, सॉरी एमएम नहीं रेडियन, जो भी डेटा कैलकुलेट होगा रेडियन में होगा। अब इसको हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो डिग्री में हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए इस तरह ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को एंड करते हैं, नोट कर लीजिए।